आइए मैं इसी अशआर के ज़िल में आवाज दूंगा नन्ना मुन्ना शायर जनाब मोनी साहब से कि वहाँ अपने अशआर से मोमिनीन के दिल के मुनव्वर फरमाएं कि इस्तकबाल में बाज़े बुलंद नारे सलवात। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद चार मिसरे समाप्त फरमाए। अब्बास का तलवार अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, बाजू मेरे अब्बास के काटोगे कहाँ तक, बाजू मेरे अब्बास के काटोगे कहाँ तक, ये सारे आजादार हैं अब्बास के बाजू, उसका खुर्शीद जलालत की चमक काफी है, उसका खुर्शीद जलालत की चमक काफी है, बाप दादा की शुजाअत की झलक काफी है, रन में 9 लाख के लश्कर को उलटने के लिए मेरे अब्बास के कदमों की धमक काफी है, मेरे अब्बास के कदमों की धमक काफी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। ख्वाब में आए पैगंबर तो कोई बात बने, ख्वाब में आए पैगंबर तो कोई बात बने, बात हो जाए घड़ी भर तो कोई बात बने, सिर्फ हज करके जन्नत नहीं मिलने वाली, करबला देखिए जाके तो कोई बात बने, करबला देखिए जाके तो कोई बात बने, इनमा अर्श से बेचैन है आने के लिए, इनमा अर्श से बेचैन है आने के लिए, पंजतन और चादर तो कोई बात बने, पंजतन और चादर तो कोई बात बने। सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। जो कहेगा हैदरी नारा लगाना छोड़ दे, जो कहेगा हैदरी नारा लगाना छोड़ दे, हम कहेंगे उससे बेहतर है कि दुनिया छोड़ दे, हम कहेंगे उससे बेहतर है कि दुनिया छोड़ दे। हजरत अब्बास ने लाखों तन्हा ये कहा, जिसको कुछ दिन और जीना है वो दरिया छोड़ दे, जिसको कुछ दिन और जीना है वो दरिया छोड़ दे। ये थे जनाब मोनी साहब जो गौरतपुर से तशरीफ लाए थे, अच्छे अच्छे कलाम आपकी दायरे मोहब्बत में हायल कर रहे थे। किसी शायर को आवाज़ देने से पहले बस चार मिसरे उसके इस्तकबाल में पढ़ता हूँ कि मरियम का पेसर लाएगा अब्बास का परचम, मरियम का पेसर लाएगा अब्बास का परचम, हर सिमत नजर आएगा अब्बास का परचम, मरियम का पेसर लाएगा अब्बास का परचम, हर सिमत नजर आएगा अब्बास का परचम, तो अल्लाह ने चाहा तो दिन दूर नहीं है जब काबे पे लहराएगा अब्बास का परचम, जब काबे पे लहराएगा अब्बास का परचम।